वो वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या हैं, वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना, तुम्हारे बाप का देश। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत का नहीं, अपनी बात रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। एक बार बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा, एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, और आप कट्टरता के साथ नहीं है, ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ, और अगर ऐसा होता है अखंड भारत तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है, पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लें, वो रहेंगे तो मुसलमान ही, और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा, तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसी आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है अमीश ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने। तो भारत का अभिन्न जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए, इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने आपने एक महिला इसी बाइट में, मैंने कहा एक महिला के लिए इसी कार्य इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी, तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया अमीश, बोलिए। मैंने इनको अगर आप हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। नहीं, पर मुझे लगता है गाली नहीं होगी, मेरे किसी जी। 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें, और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है, आप ठाकुर बनिया ब्राह्मण जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है? जातियों में यार ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने अभी। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। ये निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, ते आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या तो पाकिस्तान से सांसद बनेंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते? आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई के, जवाब डॉक्टर जमाई का। मैंने सुनी बात, शुक्ला डॉक्टर, मैं जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई। अगर मैं क्यों बोला ये की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? अगर इस देश में हमारे सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बता दूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब एक सेकंड, ऑल ऑडियोस डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोस डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ष है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा? पॉइंट नंबर वन सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात सांप्रदायिकता ये है, सांप्रदायिकता यही है कि जब ये देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा, सांप्रदायिकता ये है। इसके देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, यहाँ पे राष्ट्रपति मुसलमान हुआ है, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा? आप किसी ने उनका धर्म नहीं देखा? अखंड भारत चाहते नहीं चाहते?
अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं। आप अखंड भारत, अखंड भारत नहीं चाहते? जिसमें 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 सांप्रदायिकता की बदबू आए। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना, आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते बताइए? मैं चाहता हूँ अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो, आप अखंड भारत चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं। इस देश के करोड़ों देशवासियों की ये सपना है भारत अखंड भारत बने। ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश टूट गया ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला बड़ी देशभक्ति दिख रही है, आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, आपने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेकर भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेकर भागेगा। आपने बोला 2012 में रामदेव बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये ख्याल नहीं, आपने किसी धर्म गुरु के बारे में भी बोला? ये आपको इजाजत किसने दी बोलने? इजाजत किसने दी आपको बोलने? हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजनीति बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त है। बाबा तो यही रहेंगे लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात। दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। अखंड भारत तो शुरू कर, अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे। अभी प्रेम भाई ने दो बातें कही, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। मैं तो कहता हूं कि उनके हजार टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो जी। और हम वो अगर एक इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे। सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है। और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। ना ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो यह कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता है, हम देश की प्रगति में। ये सवाल पूछा मैंने कि आप लोकतांत्रिक देश बताइए, आप सुनना चाह रहे हैं वो बता रहा हूं। हाँ, अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। आप टर्की लोकतांत्रिक है? ये प्रधानमंत्री, मतलब 57-58 में एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा? मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट, बिल्कुल कहा जी। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें? कोई एक गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई उसमें, तीन तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा यमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा, और छोड़ दीजिए दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में? हाँ। तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप, और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं उनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सविधु वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। मुझे इतना ही याद है, अभी 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ करता था। सरस्वती मां की प्रार्थना,
अमीश हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर, प्रेम शुक्ला और सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था, मैं ही हेड बॉय था, तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, हिंदू हो गए, नहीं कहा, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। अब या नहीं गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर? अब बोलिए साजिद रशीद। अभी अभी स्वर्ण जाति के लोग क्रिकेट वो खेल रहे थे फुटबॉल, और एक दलित लड़के ने फुटबॉल को छू लिया तो उसको मारा। दुष्प्रचार देखिए, उसको मारा, गलत है यार। ये पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, ये पब्लिक डोमेन, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अब अमीश तो आप कौन से हिंदुओं के, पहले तो आप ये डिफाइन कीजिए कौन से हिंदुओं में करना चाहते हैं। अब डॉक्टर जमाई के ऊपर सवाल पूछा अंबर जैदी जी ने, उसके जब क्या क्या जो क्या सवाल था आपका? उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा क्या, इसके बाद ही मुसलमान है? सवाल ही नहीं है कुछ भी, सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं, सवाल है तो इस्लाम से सवाल बताते हैं। ये डर गए, अभी आपने कहा कि अंग्रेज औरंगजेब ने भारत को बनाया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतितः, भारत था है और रहेगा जी। ओके ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके ओके आपने पुलिस पूछ लिया सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे सवाल क्या। जब लड़कियां प्यार में अल्लाहू अकबर बोल सकती हैं तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाहू अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी में उस पर नहीं आ रहा, विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि ये यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया, दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले या मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टकृताम धर्म संस्थापनाथार्य संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, चाहे वो दलित हो, और दलित दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अंबेडकर को, आप एक बार भारत विभाजन पकड़ तो पढ़ ले, उसके बाद ये आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या की, लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है तो उन्हें सिखाया था, और आपके आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंक आतंकवाद को बढ़ावा दो तुम्हें 72 उड़े की जन्नत मिले, लेकिन लेकिन सुनिए हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये भारत हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहा 72 हुरों की जन्नत है क्या? नहीं 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 सुनिए सुनिए, आप मेरे सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है, सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे, आप मर्द। मैंने कहा इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाता है बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद उन पर भी आप खुद बाइट दे रहे थे तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों हम अखंड भारत खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले? भारत की बात कर रहे थे आपकी, आपकी तो खुद बाइट थी अभी थोड़ी देर पहले, आपकी खुद बाइट थी कि 25 करोड़ वहां से आएंगे, 25 करोड़ यहां से आएंगे, 25 करोड़ हिंदुस्तान के हो जाएंगे और बन जाएगा मुस्लिम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर। तो पजामा आप छोड़ेंगे? ये अखंड पजामा छोड़ेंगे? ये अखंड पजामे की बात कर रहे हैं यहाँ, पजामा और लंगोट तक बात पहुंच गई है। लेकिन जो जो आपने सवाल पूछा 72 हूरों के ऊपर, उस पर आपका जवाब क्या है? आपके यहाँ भी महाभारत में क्या लिखा है सुन लीजिए उसको, महाभारत शांति पर्व, महाभारत शांति पर्व मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक 46 उसमें क्या लिखा है, मैं उसका हिंदी तर्जमा बता देता हूँ। आपने मतलब जो नायक युद्ध भूमि में मारा जाता है उसको 100 अप्सराएं मिल जाएंगी। ठीक है जवाब 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 आपके यहाँ भी तसव्वुर है ये? ठीक है
हमारे यहाँ कोई अलग थोड़ा है। आधार बनाकर कभी कोई कैसे हिंदू कोई आउटफिट बनी जिसके आधार पर वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हो और युवाओं को भड़काते हो कि भाई अगर आप इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ कोई हिंसा करोगे या किसी को मारोगे या सुसाइड बॉम्बर्स बन जाओगे तो आपको स्वर्ग में अप्सराएं आपका स्वागत करेंगी। मैं चुनौती से कहता हूँ, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पहले आप किसी के साथ अन्याय कीजिए और उसके बाद आपको अप्सराएं मिलेंगी? बताइए इन देशवासियों। मैंने तो नहीं कहा। तो अभी आपने कहा कि अप्सराओं का जिक्र है। सुनिए, महाभारत इसको झुठला दे, गूगल पे पढ़ रहे हैं, कोई बात होती है क्या? मैं हवाला दे रहा हूँ, गूगल गुरु हो गया। महाभारत में से पूछिए किसने कहा, किस कैरेक्टर ने कहा, जरा बताइए। वो कह रहे हैं महाभारत में किस कैरेक्टर ने कहा, जरा बताइए आप। कुछ नहीं, गूगल गुरु है यार। इसको बड़ा कीजिए, व्हाट्सएप नहीं देखा, हवाले तो है, हवाले के साथ। अरे अगर ये ना मिले, अगर ये ना मिले, महाभारत में किसने कहा है? महाभारत, महाभारत भाषा में किसने कहा है? किस महाभारत में कहा, किसने कहा है? हिंदी पढ़ना आता है? हाँ, हिंदी पढ़ना आता है। किसने कहा? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के पढ़ के बता, पढ़ के बता। सर आप इतनी देर से अखंड भारत बोल रहे हो, 25 करोड़ वहां से मुस्लिम से मुस्लिम को जोड़ के आप अखंड भारत बनाओगे? हिंदू बचा ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं वहां पर, तो आएंगे वो सवाल ना, इस सवाल का जवाब स्वामी दिवांकर, वो कह रहे हैं कि सब मुस्लिम आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और कहां से आएगा हिंदू, जब 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 तालिबान मारता है तो लटक कर मरते हैं नीचे, लटक कर मरते हैं। अच्छा क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, अगर गलत कर रहा है मानवता के साथ तो एक जिक्र आपने बताने पाए कि अप्सराएं होती कितनी है। माना अनिवार्य है इनकी तरफ। अखंड भारत ये बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे जिसमें 25 करोड़ लेकर आएंगे, लेकिन पैसे नहीं, लोग लेकर आएंगे, सब आपने पर जिक्र 25 करोड़ का क्या, कितने पाकिस्तान, कितने शामिल है पाकिस्तान में, कितने जितने भी हैं, 1% से कम, जितने भी हैं 1% से कम। वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ आएंगे, जो टोटल आबादी है वो आएगी, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है हिंदू भी आएंगे, लेकिन हिंदू तो 1% से कम है पाकिस्तान में। तब भी हम 100 करोड़ रहेंगे और 100 करोड़ रहकर निश्चित तौर पर अखंड भारत पर जय श्री राम की पताका लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये भारत संविधान से चलेगा, संविधान से चलता रहा है। ये भारत अखंड इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर सब धर्मों का बराबर का सम्मान है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार।